तो गाइस काश मैं इस कुकर के अंदर जो निकल रही है खुशबू वो मैं आपको सुंघा पाता, महसूस करा पाता। मेरी बेटी तो 6 साल की है और उसने 4 रोजे रखे हैं। मायरा तो फिर भी बड़ी है, रोजा नहीं रखती क्या? तो गाइस वेलकम बैक। तो काफी लेट हो गए आज। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल वासिफ ज़ुफ़ीशा ऑफिशियल। तो जी लीजिए फिर से एक और नया व्लॉग शुरू कर रहे हैं। रात के 11 बज रहे हैं, चलिए चलते हैं। और सबसे पहले मुझे एक पिछले व्लॉग का थंबनेल बनाना है, वो बना लूँ। और चलिए आइए व्लॉग को शुरू करते हैं। टेबल पे चढ़ना सीख गई हैं, बन गया थंबनेल। ये क्या हुआ है अंदर? छोटी वाली थी अंदर, ये करवाया आपने? मैंने करवाया है। मानती है और रोक रोक को तो चिढ़ती है, चीखती है। अभी पूरा बाहर का किचन का एरिया सारा साफ करके आई हूँ, यहाँ पे आई हूँ तो ये फैला हुआ है। वैसे ही खराब किया। तो गाइस काश मैं इस कुकर के अंदर जो निकल रही है खुशबू वो मैं आपको सुंघा पाता, महसूस करा पाता। चलो फील कर लो। हरी मिर्च कीमा है दिल्ली वाले स्टाइल का और उसकी खुशबू है। तो हमारा कीमा रेडी है, हरी मिर्च प्याज कीमा बनाया आज, और मैडम बना रही हैं गर्मा गर्म पराठे। और बस थोड़ी देर में सहरी करेंगे, लेकिन पता नहीं मायशा जल्दी सो गई है। लेकिन टाइम पे सोई थी। हाँ टाइम पे तो सोई है, लेकिन आजकल वो टाइम अभी नहीं चल रहा ना, लेट चल रहा है, तो बार बार उठ रही है और बार बार इन्हें जाना पड़ रहा है। जी ये हमारे कम घी के पराठे बन रहे हैं। लगता है दुलदुला ज्यादा खा लिया, और दुलदुला बहुत परेशान कर लिया पेट में। गुगुआ। और इधर हमारा कीमा गरम हो रहा है, ये देखो घूम रही है, ये घूम रही है इधर से उधर। एक नल्ली का गुदा है। चलिए जी गाइस सैरी करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। गाइस तो अब हम पी रहे हैं अपनी चाय और ये वाले शीरमाल खाने पड़ रहे हैं। अब कोई बात नहीं, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया इनमें क्योंकि रुखे रुखे से हैं, थोड़े मिठास भी नहीं है। हाँ जी, क्या कमेंट बता रही थी आप? एक कमेंट आया था, स्टोरी लगाई थी या पता नहीं क्या था कि माहिरा जाग रही है, अब तक सैरी करेंगे। तो एक कमेंट आया था कि क्या बोलते हैं, मेरी बेटी तो 6 साल की है और उसने 4 रोजे रखे हैं, माहिरा तो फिर भी बड़ी है, रोजा नहीं रखती क्या? ऐसे करके कुछ आया था। तो अभी जब वाजिब ही नहीं है रोजे, अल्लाह की तरफ से ही वो एज अभी हुई नहीं है, तो क्या फायदा बच्चे को जबरदस्ती रोजा रखवा कर? जब एक एज हो जाती है, जो एज है अल्लाह ताला ने जो एज बच्चे की रखी है, 8 साल के बाद बच्चा रोज बच्चे पे रोजा नमाज सब वाजिब होता है। उससे पहले जबरदस्ती अगर बच्चा सहरी खुशी खुशी में खा रहा है या खुशी खुशी में रोजे के लिए नियत मतलब कह रहा है कि मैं भी रोजे, तो मतलब ये नहीं कि उसका रोजा रखवा दिया जाए। जब तक उम्र ही नहीं हुई तो वो जुल्म है बच्चे के ऊपर अगर हम जबरदस्ती रखवा रहे हैं तो मतलब वो ना तो वो कबूल होंगे वो रोजे, और एक तरीके से नहीं रखवाने चाहिए, रखवाने भी नहीं चाहिए। जब इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको लग रहा है बहुत प्राउड वो मेरी बच्ची तो 6 साल की और वो रोजा रख रही है। इसमें आपको अपनी बच्ची को समझाना चाहिए कि बेटा अभी आपकी उम्र नहीं हुई है, जब आपकी उम्र हो जाएगी तब आप रखिएगा शौक से, तब रखवाओ आप। इसका ये थोड़ी आप कंपैरिजन कर रहे हो कि माहिरा तो फिर भी बड़ी है और मेरी बच्ची, बच्चों बच्चों में कंपैरिजन क्या? और माहिरा अपनी खुशी से जागी रहती है कि उसे अच्छा लगता है कि इस वक्त कैसे उठे हुए हैं और आवाज आती है सायरन और की, कहती है मैं भी रोजा रखूंगी। हाँ,
तो अभी वो छोटी है, जब बड़ी होगी इंशाल्लाह रखेगी रोजे जब भी उसका वक्त आएगा। और ये नहीं होता है कि रोजा रखवा दिया तो बस अब एक रोजा रख लिया हो गया। 8 साल की उम्र के बाद जब भी रोजा रखवाया जाए, चाहे 9 साल पे रखवाया जाए, चाहे 8 साल पे रखवाया जाए, चाहे 10 साल पे, 12 साल पे, वैसे तो 8 साल की उम्र है, 8 के बाद रोजे रखवा देने चाहिए बच्चों को। उसके बाद कंटिन्यू हर साल रोजे रखने हैं। फिर ये नहीं है, आदत डालो फिर उस बच्चे को अगर रखवाए हैं तो। ये नहीं कि फिर एक रोजा रख दिया और बस हो गया, क्योंकि हमने अपनी उम्र के बाद जब भी हमें होश है, हमने जो पहला रोजा हमारा रखवाया गया उसके बाद हमने जितनी हमसे हिम्मत हुई है हमने पूरे रोजे रखने की कोशिश की है। जब तबीयत खराब हुई या कुछ ऐसा हुआ तब नहीं रखे, वो अलग बात है, लेकिन अल्लाह के शुक्र से जब से रोजा रखवाया गया है तब से फिर ये है, हमारी अम्मी ने हमें यही सिखाया कि अब बेटा तुम पर वाजिब है रोजे, तुम्हें रोजे रखने हैं। तो बस ये था, बच्चे हैं और बच्चों को बच्चों की तरह रखो, अभी इतना बड़ा नहीं बनाओ। चलो शाबाश, चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, टूट गई तो एक एक दाने, सुनो एक एक दाना उठा लो, हैं वो समेट रही है, हाँ, है। उठाओ हाँ, कोई बात नहीं, नहीं उठाओ एक एक दाना उठा लो, दोबारा से पिरो देंगे, तस्बीह करो, तस्बीह बनाएंगे, हैं उसको क्यों मार रही है, उसने तो कुछ नहीं करा है, गलती खुद की और गुस्सा उसको दिखा रही हो, ये देख लो ये होता है, वो तो मैं लेट हो गया वरना तो ये भी देख ली रिकॉर्ड हो जाता है कैसे टूटी। तो गाइज वेलकम बैक, तो काफ़ी लेट हो गए आज, असल में आँख लग गई थी दूफी की और मैं भी एडिटिंग कर रहा था, मैंने भी वक्त का मेरे को अंदाज़ा नहीं रहा और बिल्कुल कट टू कट मामला चल रहा है, बस 1-1.5 मिनट बचा है और काम भी ऑलमोस्ट हो चुका है। यहाँ पे आज मकेन तले हैं और ये समोसा रोल इन्होंने बना के रख दिए थे, स्प्रिंग रोल वाले कीमे के, वो तले हैं, स्माइलीज बच्चों के, पापड़, फ्रूट चाट, चने, ये सारी चीज़ें हैं आज, काफ़ी हैं, काफ़ी है आज। और ये अपना वाटरमेलन पहले से एंजॉय कर रही हैं, वेरी गुड। तैयार हो गया है और हमारी चाय आ गई है और आज पता नहीं क्या, मुझे आज ऐसा लगा, मुझे आज रोजा लगा पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद कड़ला फैनी नहीं खा रहे हो ना, कड़ला खाने से जलेबी, जलेबी से थोड़ा पेट में ना भारीपन रहता है, देर तक भूख नहीं लगती। 3 बजे के बाद से ना ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई आटे पकड़ के खींच रहा है और वो बाहर आ जाएंगी, जबकि सही भी खाई थी सारी, फिर भी बस वो नहीं खाया था। तो ये देखिए गाइस, आज इन्होंने ये करा है काम, माहिरा फरीद ने गलती से थोड़ी खाई, गलती से ही होते हैं सारे काम, जानबूझ के कौन करता है, उसको देखो, ओए इधर आ, कम यार, मियाँ वहाँ गया, बस पहले दो ही तो काम है, बहुत बदतमीज हो रहा है बच्चा, ये नाम लेता है मेरा, है ना, बदतमीज हो रहा है बच्चा, सुन तो लो, सुन तो लो, नाम लेता है मेरा, ओए अबे भाई नहीं, पेट पे नहीं, अभी अभी नहीं।
तो जी गाइस अभी बज रहे हैं 9:45 और व्लॉग लाइव जाना है, लेकिन उसकी एडिटिंग अभी तक नहीं हुई है, तो मैं सोच रहा हूँ फटाक से एडिटिंग कर लूँ, क्योंकि अभी मैं फ्री हूँ थोड़ा सा, लूफी भी नहीं है, माहिरा भी नहीं है, तो ये दोनों गई हैं ऊपर, तो मैं जल्दी से एडिटिंग कर लेता हूँ और उसके बाद व्लॉग लाइव कर देते हैं फिर, क्योंकि दूसरा व्लॉग भी कंटिन्यू चल रहा है, वो भी शुरू कर दिया है, अभी ज़रा एडिटिंग कर लें, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइज अभी डिनर बन रहा है, डिनर में बन रहे हैं कीमा राइस और बच्चों को डिनर कराएंगे और फिर करेंगे अगला व्लॉग शुरू। इस व्लॉग को रखते हैं इतना ही, फिर मिलेंगे मज़ेदार से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय बाय। अभी ये पता नहीं कितनी देर तक जागेगी, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।